हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले एयरटेल ने अपनी 5G प्लस सर्विस को लॉन्च कर दिया गया, बोल सकते हैं 5G नेटवर्क को रोल आउट कर दिया गया है। बट उसको कैसे चेक करेंगे कि आपके सैमसंग गैलेक्सी में वो यूज़ होने वाला है, या बोल सकते हैं कोई सा भी अगर आपका अदर मोबाइल है तो कैसे चेक करेंगे कि आपके मोबाइल पर सर्विस इनेबल है कि नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत मेरे चैनल एसेट टैग में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कैसे उसको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, यहां जाना है पहले तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, या फिर अगर आईफोन यूज करें तो आपको अपने आई स्टोर में जाना है। वहां पर आपको एक थैंक्स ऐप डाउनलोड करनी है जो कि एयरटेल की ऐप है, आपको इसको डाउनलोड करके रखना है। थैंक्स ऐप को आपको उसको ओपन कर लेना है डाउनलोड करने के बाद। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको जैसे इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा, चेक योर फोन इज 5G enabled। और अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको एक अलग से नोटिफिकेशन भी, आप पॉपअप भी मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करके भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक योर फोन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस बताएगा, यहां पर आप देखेंगे आपको 2-3 चीजें बताने वाला है। चेकिंग फॉर 5G नेटवर्क कमिंग सून टू योर सिटी, मतलब अभी मेरी सिटी में आई नहीं है, बट योर हैंडसेट इज कंफर्टेबल और 5G सॉफ्टवेयर इज नॉट कंफर्टेबल, ऐसा करके आपको मैसेज आएगा। जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा, योर डिवाइस मैन्युफैक्चर इज येट टू रिलीज 5G सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब कि आपका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल 5G नहीं है, आपका मोबाइल 5G है, बट इसको सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए 5G नेट को यूज़ करने के लिए। अभी आपके मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो 4G नेटवर्क तक का कंफर्टेबल है, उसके ऊपर यूज़ करने के लिए उसको नया सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 5G सर्विस को यूज़ कर पाएगा। इसका मतलब ये बहुत सारे हैंडसेट्स के साथ आ रहा है, या बोल सकते हैं अधिकतर हैंडसेट के साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको चेक कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपको अपने डिवाइस के बारे में देखना है कि आपके डिवाइस में कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो आपको अपने यहाँ पर जाना है, कोई सी ब्राउजर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मार लेना है, या बोल सकते हैं आपको इस वेबसाइट पर जाना है, airtel.in Airtel 5G हैंडसेट करके आपको इस पर चले जाना है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा। जैसे ये देखेंगे डिवाइस दिख रही होगी, ये सारी डिवाइस आपको दिख रही होंगी जो कि कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइक एयरटेल का, मतलब सॉरी ये मोबाइल कंपनी के नाम है लाइक एप्पल का, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि एप्पल ने भी अभी तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज नहीं किया है जिसमें 5G सॉफ्टवेयर उनकी इनेबल हो। सबको क्या क्या लिखा हुआ है, एप्पल येट टू बी अपडेट सॉफ्टवेयर, सबको सॉफ्टवेयर अपडेट देना होंगे, उसके बाद ही वो सर्विस इनेबल होगी। अभी बहुत कम हैंडसेट में 5G नेटवर्क चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप सैमसंग में देखेंगे तो सैमसंग के जो कुछ हैंडसेट अभी लेटेस्ट हैं उनमें चल रहा है, A53 5G, A33 गैलेक्सी S21, 22 अल्ट्रा, M33 या फ्लिप 4, इन सब सेट में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की अभी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही चल रहा है। और जैसे कि जो नीचे के हैंडसेट है सैमसंग गैलेक्सी नोट 2, 20 अल्ट्रा, इसमें अभी सॉफ्टवेयर अपडेट की रिलीज़ होगा, उसके बाद कंफर्टेबल होगा। S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। लाइक ये मेरा जो है A52S, इसमें भी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है। अगर आपके मोबाइल में भी यही दिखा रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पेंडिंग है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आपका मोबाइल 5G नहीं है, आपका मोबाइल 5G है बट उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा। हो सकता है बहुत जल्दी ये वाला अपडेट आ जाए, क्योंकि अब इंडिया में 5G नेटवर्क चालू हो चुका है और आने वाले टाइम पे जियो का भी आने वाला है, तो बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर अपडेट चालू हो जाएगा। एयरटेल ने जो अभी 5G सर्विस लॉन्च करी है, 5 सिटीज में इसको लॉन्च किया गया है, आने वाले टाइम पे ये सभी और सिटीज़ में भी लॉन्च करेगा और धीरे धीरे सभी जगह लॉन्च कर देगा। अभी जो रोल आउट किया गया है ये दिल्ली, बम्बई, नागपुर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, वाराणसी, इन सिटीज़ में अभी फिलहाल इसको रोल आउट कर दिया गया है एयरटेल 5G सर्विस को, और आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट कर देंगे। और पर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, सब डिवाइस पे यही बता रहा है कि येट टू बी अपडेट, आपको अपडेट करना रहेगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिंपल था यही बताने वाला था, अगर आपके साथ भी ऐसा आ रहा है तो भाई टेंशन नहीं लेने का, आने वाले टाइम पे नेक्स्ट अपडेट में ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो पे मैंने 50 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज यार लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, मेरे जल्दी 20K कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।